यूक्रेन और रसिया के बीच मिलिट्री वार में रसिया के लिए यूक्रेन से भी ज्यादा घातक रहा यह युद्ध की घोषणा करना, लेकिन पुतिन को क्या फर्क पड़ता है। सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान, एलियन के समतुल्य सोच रखने वाला महान पुरुष, जिसने दुनिया का पहला मानव निर्मित आर्टिफिशियल ब्रेन का सफल प्रयोग कर लिया है, वो कौन है? देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यूक्रेन और उसके बीच चल रही लड़ाई में यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है ये तो सबको पता चल जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के संगठनों व देशों ने रूस के ऊपर जो प्रतिबंधों का दौर जारी किया है, इसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था सैकड़ों सालों तक चरमराती डगमगाती रहेगी, जिसमें प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन से प्रतिबंध और विभिन्न देशों को ऊपर से हवाई जहाज भेजने पर प्रतिबंध, विभिन्न देशों पर व्यापार से प्रतिबंध और दुनिया के विभिन्न खेलों में रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे आने वाले समय में रूस को बहुत बड़ा वित्तीय घाटा झेलना पड़ेगा। 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान, जो आए दिन अपने कारनामों से दुनिया को हैरान करता रहता है, टेस्ला व स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क। जी हाँ, वो क्रांतिकारी पुरुष एलन मस्क हैं, जिनके द्वारा एक अनोखा इन्वेंट किया गया है, जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये प्रयोग हम पर तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनके प्रयोगों से पता चला है कि एलन मस्क ने आर्टिफिशियल ब्रेन का निर्माण कर लिया। मतलब ये कि एलन मस्क द्वारा किसी इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला मानव निर्मित दिमाग बना दिया गया है, जिसका प्रयोग इन्होंने सफलतापूर्वक बंदरों के ऊपर कर भी लिया है। और बात करें इस दिमाग के आकार की, तो यह बिल्कुल आपके बाल के आकार का है, जिसको किसी भी इंसान के ऊपर मात्र एक घंटे में सेट किया जा सकता है, जिसके बाद सारी एक्टिविटी आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसके कितने सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम निकलते हैं, मतलब इस खोज का सही इस्तेमाल होगा या गलत इस्तेमाल किया जाएगा, देखने वाली बातें होंगी।